आज हमें देखना है कि राग किसे कहते हैं। राग यानी क्या? What do you mean by राग? हम सब सुनते हैं, समझते हैं कि राग संगीत हम सुनते हैं, हम रागदारी संगीत सुनते हैं, हम क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, सब बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वॉट इज राग एक्चुअली, उस बारे में थोड़ी चर्चा हम आज करेंगे। आप सब जानते हैं कि कल भी मैंने कहा कि कोई भी म्यूजिक हो, कोई भी संगीत हो, किसी भी देश का संगीत हो, 12 स्वरों से मढ़ा हुआ होता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 12 स्वर। अब स्वर की उत्पत्ति कैसे होती है? नाद से। नाद से स्वर की उत्पत्ति हो, नाद यानी साउंड। अब नाद कितने प्रकार के होते हैं? नाद कोई भी आवाज है वो नाद है, चाहे बोल रहे हैं, कोई भी आवाज हो वो नाद है, लेकिन हर कोई नाद संगीत के उपयोगी नहीं हो सकती, इसलिए हम संगीत उपयोगी नाद कहते हैं। और एक तो हम बोलते भी हैं, वो भी नाद, कोई दो चीजें टकराए तो वो भी एक आवाज होती है, वो भी साउंड है, लेकिन हर कोई आवाज संगीत के उपयोगी नहीं है। अब संगीत उपयोगी आवाज किसको कहते हैं हम? जिसमें अनुरणन हो, जिसमें रिजोनेंस हो, जिसमें कंटिन्यूटी हो, एक आवाज टकराती है, बाद में उसकी गुंजन कुछ देर चलती है, और जो आवाज हम सुनकर उसका अनुकरण हम खुद कर सके, उसको रिप्रोड्यूस कर सके, वही आवाज संगीत उपयोगी नाद कहते हैं, और उस आवाज को हम नाद कहते हैं। नहीं तो बाकी सब नॉइस, शोरगुल, बाकी जितने, अब जैसे आप समझ लीजिए रेल की पटरी की आवाज है, वो भी एक आवाज है, लेकिन वो संगीत उपयोगी नहीं है, लेकिन इंजन की व्हिसल है वो संगीत उपयोगी है। आपके रसोई घर में, किचन में दो बर्तन टकराते हैं, पहले तो बैंग होता है, लेकिन बाद में मेटल होने की वजह से उसमें थोड़ी रेजोनेंस पैदा होती है, कुछ आवाज कंटिन्यू होती है। आजकल तो स्टील के बर्तन है, पहले तो पीतल के और तांबे के बर्तन होते थे जिसमें कि काफी गुंजन की क्षमता थी, दो बर्तन टकराए तो थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज होती है, वो आवाज अपने कान से सुनकर आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते। जो आवाज, इतना याद रखिएगा, जो आवाज सुनते हुए जिसमें थोड़ी देर कंटिन्यूटी हो, और जो आवाज हम सुनकर उसका अनुकरण हम अपने गले से कर सके, वही आवाज संगीत उपयोगी आवाज कही जाती है, और उस आवाज को हम नाद कहते हैं, यानी म्यूजिकल साउंड। और दूसरा नॉइज, ये दो कक्षाएं हैं। अब उसके साथ साथ उस नाद में भी दो प्रकार, एक है आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। नाद के भी दो, यानी अब नाद जब मैं कहूंगा तब ये समझ लीजिए वो साउंड जो कि म्यूजिकल साउंड है। नाद का जहां जहां उल्लेख आएगा वो आप इतना समझना कि वो हमारे संगीत के उपयोगी है। तो नाद के भी दो प्रकार, एक आहत नाद और दूसरा अनहत नाद। अनहत नाद बहुत मुश्किल है। अनहत नाद आपका आंतरिक नाद है, जिसको योगाभ्यास द्वारा आपको अनुभूति करनी पड़ती है। प्रणव नाद कहा जाता है उसे, उस नाद को प्रणव नाद कहते हैं। एक आवाज आंतरिक आवाज होती है और एक बाह्य आवाज होती है। जो बाहरी आवाज है वो आहत नाद है, और अनहत नाद जो आंतरिक आवाज होती है, जो कि जिसकी साधना योगी लोग करते हैं, वो साउंड हमेशा एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में है। उसको पहचानना, उस वेवलेंथ को अपने को पकड़ना और अपने आंतरिक नाद से उसको जोड़ना, ये योगाभ्यास द्वारा। इसलिए इस नाद की उपासना सिर्फ योगी लोग करते हैं। कुंडलिनी जागृत करना, ये सब जो चीजें हैं वो उस अनहत नाद के कक्षा में जाता है, जिसकी साधना ऋषि मुनि करते हैं, और जिसका माध्यम होता है, जिसका लक्ष्य होता है, जिसका एम होता है मोक्ष प्राप्ति, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। मोक्ष प्राप्ति यानी स्वर्ग में जाना नहीं है, यही रहे, यही बैठते हुए आपको स्वर्ग मिलता है, यानी आप अपने को पहचानने लगते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूं, यानी आप में जो ब्रह्मत्व है वो आप पहचानने की जो क्षमता है, यानी आप ज्ञानी हो गए। ये और गंधा, सिर्फ कानों का परिणाम देखिए, जो सांस सुन रहे हैं, अब मैं गंधार गाता हूँ, फिर भी आप इस साँस को भी साँस सुनिएगा तो आपको एक तरह का हार्मनी लगेगा।
एक शब्द गंधार का समाज होता है, दूसरा एक डिस्कॉर्ड कहीं आपको लगेगा नहीं। तो सभी ये स्वर हैं, जब सा अस्तित्व में है तो रे भी है, सा अस्तित्व में है तो ग भी है। ग क्यों कहेंगे? क्योंकि सा है इसलिए। म क्यों है? क्योंकि सा है इसलिए म। जब सा ही नहीं है तो सभी कोई सा हो सकता है, हर एक नाद सा हो सकता है, लेकिन हम ग कहते हैं, म कहते हैं, प कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस सा के रिलेशन में। अगर हम ग तो आप समझिए सा, इसका सा ये है। अब सा अगर हम कहेंगे, इसको सा कहेंगे, ध ग कहेंगे तो गंधार सा हो जाएगा। ता ता सा मा मध्यम होगा। तो क्या है कि उस बेस के ऊपर जो आपने बेस बनाया है उस हिसाब से ये, लेकिन हमारे यहाँ हर कोई म्यूजिक हम सा के रिलेशन में सुनते हैं, तो ये अलग अलग संवाद होते हैं। तो सवाल उठता है राग किसको कहें? एक तो प्रक्रिया रागों की मैथमेटिकली होती है, जिसको हम स्केल रागास कहते हैं। एक व्यवस्था हमने बना दी कोमल त्योरों की, एक व्यवस्था बना दी, कभी कुछ स्वर छोड़ दिए, कभी कुछ स्वर को लिया। जैसे एक उदाहरण लेना हो तो सा, अब देखिए उसमें मध्यम और निषाद में छोड़ देता हूँ। सा रे गा प द सा, सा ध प ग रे सा, एक स्केल हो गया। सर्वसाधारणतया हम इसको भूपाली कहते हैं। भूपाली का हरो हरो क्या है? सा रे गा प, जो आप क्लासिकल म्यूजिक में सीखते हैं। यहाँ क्लासिकल म्यूजिक का जो क्लास में सीखते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक, हम उसकी डेफिनेशन ये करते हैं। क्लासिकल म्यूजिक यानी क्या? जो क्लास में संगीत सिखाया जाता है वो क्लासिकल म्यूजिक, और जो आप महफिल में सुनते हैं वो रागधारी संगीत सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस तरह से कुछ व्यवस्था हमने शुद्ध विकृत स्वरों की रचना करते हुए एक स्केल को गाया, आरोह में और अवरोह में। तो ऐसे रागों को हम स्केल रागास कहते हैं। और दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो एक स्वर संगति हमको सूझती है, और उस स्वर संगति को हम बैलेंस करते 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 एक मेलोडिक फॉर्म हम उसका रचते हैं। फिर उसमें कुछ स्वर गौण होते हैं, कुछ प्रबल होते हैं। जैसे मैंने कल आपको इशारा दिया था कि कुछ गौण स्वर होते हैं, कुछ थोड़े से नाजुकता से उसका उपयोग होता है, कुछ स्वर बहुत प्रबल हो जाते हैं। इस तरह से एक मेलोडिक स्ट्रक्चर बनता है, और वो जो मेलोडिक स्ट्रक्चर फॉर्म है जो आपको और हमें रिझाए, उस मेलोडिक फॉर्म को हम राग कहें। हमारे शास्त्रकारों ने एक परिभाषा, एक डेफिनेशन राग की ये दी है, यो अयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां सरागः कथ्यते बुधैः। इसका मतलब यही है, ऐसी स्वर संगति, ऐसी स्वर संकल्पना कहिए, ऐसी स्वर संकल्पना जो कि स्वर वर्ण युक्त हो। अब मैंने स्वर वर्ण आपको कल बताया है, मूवमेंट्स ऑफ चार प्रकार की, जो मूवमेंट्स जिसमें क्षमता हो, यानी आवाज चारों मूवमेंट्स से जो आगे पीछे फिरती हो, डेफिनेट मूवमेंट्स, इन चारों स्वर वर्णों की मदद से जो एक डेफिनेट मूवमेंट हम करते हैं, डेफिनेट चलन देते हैं उस मेलोडी को, और जो जनचित्त का रंजन करता है जिस मेलोडी, उसी को गुणी लोग राग कहते हैं। सरागः कथ्यते बुधैः, बुधैः यानी विद्वान लोग। अब ये इसमें से आपको एक बात मालूम होगी कि कोई एक संकल्पना स्वर कल्पना ली और उसको हमने डेवलप किया और उसका जोड़ मिलाया, उसका संवाद जोड़ा हमने,
तो एक राग का फॉर्म तैयार होता है, नहीं तो मैथमेटिकल आप कर सकते हैं। सारे गामा पधानी, फिर रे निकाल दो, सागा मापा धानी, फिर ग निकालो, सारे मापा धानी, ऐसे कितने राग, सैकड़ों हजारों राग होते मैथमेटिकली। लेकिन उसमें विविधता रखना, उसके नियम को बांध रखना और हर एक राग का व्यक्तिमत्व आगे लाना, यही हमारी संगीत की खूबी है। अब आपको मैं इसके दूसरे भाग में इसका प्रत्यक्ष करके बता दूंगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ब्रेक करना है। तो इसके पहले मैं प्रास्ताविक सब आपको कह देता हूँ, बाद में सिर्फ इशारे से आपको गाकर इसका अनुभूति, इस बात की अनुभूति कराऊंगा। तो क्या है, एक प्रक्रिया ऐसी होती है जो कि सिर्फ मैथमेटिकल गणित दृष्टि से स्केल के हिसाब से हम राग बनाते हैं। उसमें राग की जितनी आवश्यकताएं हैं, राग को आरोह भी होना चाहिए, अवरोह भी होना चाहिए। क्यों? कभी कभी ऐसा भी होता है, जाते वक्त आपने एक स्वर छोड़ दिया, या कोई भी ना स्वर छोड़ा, आते वक्त एक स्वर छोड़ दिया या दो स्वर छोड़े, तो इसमें भी क्या होता है, एक स्केल जो हमारा सप्तक बन गया है उसके लिए राग जाती भी है। आप समझ लीजिए, जिसमें सातों स्वर, जिस पंक्ति में सातों स्वर लगते हैं उसको हम संपूर्ण कहते हैं। संपूर्ण का मतलब यह है कि जिसमें कोई स्वर छूटता नहीं है, और शाड़व उसको कहते हैं जिसमें दो, एक स्वर छोड़ा जाता है, साई छह स्वर रखते हैं, षट से शाड़व, तो एक स्वर कोई भी छूट जाता है तो उसको हम शाड़व राग कहते हैं, और जिसमें दो स्वर हम छोड़ते हैं उसको हम औडव राग कहते हैं। तो संपूर्ण जाति का राग, शाड़व जाति का राग या औडव जाति का राग, ये तीन राग की जातियां मुख्य है। अब चूंकि राग बनने के लिए, क्योंकि आवक और जावक ये पुरानी भाषा है, आरोह और अवरोह इन दोनों की आवश्यकता है, तो उसमें समझ लीजिए हमने जाते हुए तो कोई स्वर छोड़ा नहीं, आते हुए एक स्वर छोड़ दिया, तो ऐसे रागों को हम संपूर्ण शाड़व राग कहते हैं। जाते वक्त हमने एक स्वर छोड़ा, आते वक्त कोई स्वर नहीं छोड़ा, तो उसको शाड़व संपूर्ण कहेंगे। ऐसे ये कॉम्बिनेशन बनते बनते कुल नौ प्रकार के राग जातियों के द्वारा राग बनते हैं। संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण शाड़व, संपूर्ण औड़व, वैसे ही शाड़व संपूर्ण, शाड़व शाड़व, शाड़व औड़व, औड़व संपूर्ण, औड़व शाड़व और औड़व औड़व, ये नौ प्रकार के राग जातियां बनती हैं। इसके अलावा भी और भी राग बन सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली जो गणित दृष्टि से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। इस प्रकार हमारे कर्नाटक संगीत के एक बहुत बड़े विद्वान 17वीं शताब्दी में हुई है, पंडित वेंकट मखी, उन्होंने 72 थाटों की विरचना इसी तरह की। एक सप्तक में कितने स्केल्स बन सकते, तो उन्होंने कहा कि 72 स्केल्स बन सकते सिर्फ एक ही आरोह में, जो जिस तरह से आरोह जाएगा उसी तरह से अवरोह आएगा, उसको ठाट कहते हैं हम, एक अरेंजमेंट, पेरेंटल स्केल, उसको इंग्लिश में पेरेंटल स्केल कहते हैं, जिसको हम ठाट कहते हैं। ऐसे 72 उन्होंने कहे, लेकिन सभी को ही गाए जाते नहीं, ठाट तो कोई गाने की चीज नहीं है, सिर्फ आपको उसकी कल्पना देनी है। राग उसमें से फिर इन नौ प्रक्रियाओं से कितने 4000 के ऊपर रागों की संख्या बन जाती है। लेकिन हम सुनते कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 राग के बाहर हम सुनते भी नहीं। इतनी बड़ी संख्या होते हुए राग की संख्या कम क्यों है? उसका कारण यही है कि रंजकत्व तो एक बहुत बड़ी समस्या है। वो मेलोडिक फॉर्म रंजक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। सिर्फ मैथमेटिकली आपने किया तो वो राग नहीं है, भले साइंटिफिकली आपने राग बना लिया, लेकिन रंजको जनक चित्तानाम, ये जो उसकी कंडीशन है, जो आपके चित्त का रंजन करना उसका परम ध्येय है, ये जब तक परिपूर्ति नहीं होती है तब तक वो राग नहीं कहलाता। इसीलिए इतने हजारों राग शक्य होते हुए भी प्रचार में उनमें से 200-250 से ज्यादा राग हम नहीं सुनते। उसमें भी होता क्या है कि आज जो राग प्रचार में है वो आज से 50 साल बाद में अक्षोभ राग हो जाता है, दुर्मिल राग हो जाता है, फिर वो दुर्मिल राग फिर अक्षोभ के स्थान ले लेता है, उनके पीछे पड़ते, तो आज जो प्रचार में वो पीछे पड़ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती आई है, और सर्वसाधारण समाज में या सुनने में और सीखने में 200-250 के आगे हम नहीं जाते।
ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, दूसरा कोई नाम लेके फिर वो प्रचार में आते हैं। ऐसे कई राग लुप्त हो गए और हमारे इतिहास में हम देखते भी है, आज से 400 साल पहले एक मेलोडी प्रचार में होगी, वो लुप्त हो गई। आज कोई संगीतकार, मैंने एक नया राग बनाया है और वो एक कल्पना करता है और राग, फिर अगर आप संशोधन जो करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, अरे फलाने ग्रंथ में इसका नाम फलाना दिया हुआ है, तुमने क्या नया किया, कुछ नहीं। लेकिन आज के समाज के लिए, आज के संगीत के जगत के लिए वो नई चीज, वो पुराने एक जमाने में वो प्रचार में रहा होगा लेकिन वो मिट गया था, आज हम सुनते हैं तो एक नए पन से सुनते हैं उसको, इसलिए वो नया राग लगता है। तो ऐसी ये प्रक्रिया आज सदियों से चलती आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि सबसे राग में आवश्यक बात क्या है कि रंजकत्व। अब रंजकत्व यानी कोई भी चीज अच्छी है वो राग नहीं कहलाती, ये भी साथ साथ है। उसका भी कुछ अनुशासन है, उसका भी कुछ एक डिसिप्लिन है। राग में दो भाग रहते, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। सा से प एक रेंज है और मध्यम से तार शब्द का सा ये दूसरा रेंज है, द फर्स्ट हाफ द लेटर हाफ। जैसे सा रे गा मा प ये पूर्व भाग, म प द नी सा उसको उत्तरार्ध कहते हैं, यानी अर्ध सप्तक के दो भाग किए हमने। पहला भाग हमने षड से लेकर पंचम तक समाप्त किया, दूसरा भाग हमने मध्यम से शुरू किया और तार शब्द किए, सारे गामा प और मापा धानी सा। अब ये दो भाग हैं, अब ये तराजू है राग। अब दोनों जब तक बैलेंस नहीं होंगे स्केल, तब तक वो राग बैलेंस नहीं रहेगा। एक तरफ ही आप ज्यादा बोझ डालते जाएंगे तो दूसरी पलड़ी ऊपर चली आएगी और इम्बैलेंस लगेगा, फिर आप उसको समझ नहीं सकेंगे, वो राग डावाडोर होने लगता है। तो सिद्ध कलाकार कहते हैं राग उसी को कहते हैं जो बैलेंस रहेगा, दोनों समतोल रखता है, दोनों अंगों को समतोल रखता है। अब ये आवश्यक है और ये स्वाभाविक है कि कुछ रागों का वेट उत्तरार्ध में अधिक होता है, कुछ रागों का वेट पूर्वार्ध में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर देते हैं। बीच में एक झटका ऐसा पूर्वार्ध में मिल जाता है, फिर वो बैलेंस रहता है, फिर आप झुकते हैं दूसरे भाग में। तो ये जो चमत्कार है, इसमें से राग हमेशा बैलेंस में रहता है। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ये दोनों का बैलेंस होना आवश्यक होता है। अब मैं आपको एक छोटा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। स्केल तो मैंने कहा है कि कितने भी राग बन सकते हैं, लेकिन आप देखिए स्वर संगति, जो मैंने कहा ना स्वर वर्ण विभूषिता, यानी स्वर संगतियों का चमत्कार कैसे होता है। अब एक स्वर संगति आपको मिली नीसा, एक सेमीटोन नीसा, एक ही स्वरांतर है ना 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 ना, अलग अलग जगह पर वही स्वरांतर है ना 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 ना। अब तो जोड़िए क्या होता है, नी सा ग म प नी सा सा नी प म म ग प नी, बिहार की शक्ल थोड़ी सी लगने लगी है, उसको जोड़ दिया मैंने। इस स्वरांतर को एक खास तरीके से जोड़ते हैं। अब वैसे नी सा नी ग म ग म प म ग म ग नी सा नी म प म ग म ग म ग प सा नी प, उसका जवाब वहां मिलेगा आपको। जो यहाँ कॉम्बिनेशन मिलेगा उसका जवाब आपको दूसरे अर्ध सप्तक में जरूर मिलेगा, तब ऐसी जाके जो मेलोडी फॉर्म होने लगती है। इसीलिए वादी और समवादी ये जो दो नाम है, एक अंग में जो स्वर प्रबल होगा। अब मैंने कहा कि एक राग ऐसा होता है जो कि एक अर्ध सप्तक में उसका प्रभाव अधिक होता है,
तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई भी दूसरा भी वहां होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए वादी है उसको, उसके साथ संवाद जोड़ने वाला जो स्वर है उसको संवादी कहते हैं। जैसे एक प्रोमिनेंट नोट होता है उसका कॉन्सोनेंट दूसरा होता है, उसको बैलेंस करता है, इसलिए वादी संवादी का है सवाल। लेकिन जब हम मेलोडी फॉर्म गाते हैं ये सब क्लासिकल म्यूजिक के लिए दायरे में रहता है, राग समझने के लिए, कलाकार उसके बाहर का है, वो तो उस पर्सनैलिटी को लेकर आगे बढ़ता है। जैसे हमको उसके रूडिमेंट सीखने के लिए हमको क्लासिकल म्यूजिक सीखना आवश्यक होता है, यानी क्लास में जाके उसकी थ्योरी लेनी पड़ती है। लेकिन जब कोई एग्जीक्यूटर होता है, जो खास वक्ता होता है, वो ग्रामर नहीं देखता रहता है कि यहाँ मैं ग्रामेटिकली बोल रहा हूँ या नहीं, वो अपने प्रभावी वक्तव्य से आपको प्रभावित करता रहता है, वो कलाकार। आपके पास गोडाउन में काफी मटेरियल है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन शोरूम ने वही पीस किस प्रकार से डिस्प्ले किया होगा वो आकर्षक होता है आपके लिए। तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वो शोरूम पीस है और हम जैसे गुड़ाउन वाले हम कलाकारों को निर्माण करते हैं, हम उनको मटेरियल देते हैं, ये भी लो, ये भी सप्लाई करता हूं मैं, ये भी गुड़ाउन है, ये भी है, उसमें से वो चुनिंदा चुनिंदा चीजें लेकर वो शोरूम में रखता है, तो वही उसकी आर्टिस्टिसिटी दिखती है। वो ज्यादा मटेरियल आपको नहीं देता लेकिन थोड़े में आप चमत्कृत हो जाते हैं, आप प्रभावी हो जाते हैं और उस कले का आस्वाद आप लेने लगते हैं। यही एक म्यूजिकोलॉजिस्ट या म्यूजिक टीचर में और एक परफॉर्मर में फर्क। वो थोड़ा ही गाता है लेकिन वो इस प्रकार से उसकी योजना करता है कि आपको आकर्षक बना देता है, वही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। चाहे वो थोड़ा सा ही गाए लेकिन वो आपको इस प्रकार से वो डिस्प्ले करेगा, आपका मिजाज समझेगा, वो आपका टेम्परामेंट क्या है। एक सिद्ध गायक मैंने देखा है, आज की बात नहीं कहता हूँ, आज तो हमारे फैंस जो होंगे उनको हम रिझाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में गायक गायक को रिझाता, तो उसकी मनस्थिति को, उसके कलेजे को अपने हाथ में खींच लेते थे, अपने काबू में कर लेते थे उसको, यानी उनका इतना अनुभव रहता था कि महफिल में बैठे के और देखते थे आज महफिल का रंग क्या है, उस हिसाब से वो अपनी पेशकश उसकी होती थी, उसकी प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से होती थी कि वो आपका दिल खींच ले। और दिल को खींचना यही कला है, मस्तिष्क को नहीं। मस्तिष्क को खाद्य देना ये संगीतज्ञ का काम है। हमने आपको 50 कॉम्बिनेशन गा के बताए, आपको दिमाग को तकलीफ दे रहे हैं, कितना याद रखूं मैं? लो ना ना दे ना 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 ना, आप कहेंगे क्या चल रहा है ये, टा 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 टा, इतना कहें तो अच्छा लगता है। उसमें से एक चुनिंदा फ्रेज हमने ले लिया, उसको पकड़ के हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो ये कलाकार। दूसरा आपको सामग्री देगा, सामग्री भी आवश्यक। जब तक आपकी सोच हम नहीं बढ़ाएंगे, आपकी कल्पना शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको मिलेगा क्या खाद्य? लेकिन उसकी व्यवस्था, कौन से कॉम्बिनेशन के बाद कौन सी कॉम्बिनेशन लेनी चाहिए, जो कि मोनोटोनी भी न हो, साथ साथ विविधता भी हो और आकर्षक भी हो, ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लक्षण है। इस प्रकार कई राग बनते हैं, जैसे जिसमें सिमेट्री आपको मिलेगी, और उसमें से फिर क्या है कि रागांग पैदा होता है। ये जो अलग अलग जो फ्रेजेस हैं वो किसी न किसी एक, अब समझ लीजिए इन कॉम्बिनेशन से हमने बिहाग अंग को प्रस्थापित किया, तो बिहाग एक अंग हमारे घटक हो गया। वैसे कल्याण अंग, अब आपके अक्टूबर में कल्याण उत्सव है तो कल्याण अंग के बारे में आपको मालूम होगा, और आजकल मैं बड़बड़ करता हूँ विद्यावन में काफी अंग खाद के अंगों के राग के बारे में, तो ये रागांग को मैं समझाता हूँ कि हमारे संगीत में ऐसे कई एक अंग हैं। वैसे तो 16 अंग माने गए हैं मुख्य अंग, 16 अंग के राग हमारे यहाँ हैं,
तो अलग अलग ठाटों में अलग अलग अंग के राग हैं। भले स्केल एक ही हो, अब उसकी पोस्ट सेशन में मैं इसका प्रत्यक्ष करके बताऊंगा कि एक ही स्केल है लेकिन रागांगों के हिसाब से उसका स्वरूप कैसे बदलता है, समझिए। लेकिन ये इतना याद रखिएगा, दो प्रकार के राग हैं, एक तो स्केल राग है स्ट्रेट, उसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसीलिए कर्नाटक म्यूजिक में स्केल रागास अधिक गाए जाते हैं। ये नहीं कि वहाँ उस रागांग नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन अधिकतर वहाँ स्केल गाया जाता है। अब उदाहरण के लिए सारे गा पदा सा, वो कहेंगे मोहनम, हमारा ये मोहन राग। अब उसमें कुछ भी आप कॉम्बिनेशन गाइए वो मोहन रहता है, लेकिन हमारे यहाँ इसी स्केल में से पांच राग निकलते हैं, इसी सारे गा पदा सा में ही पांच राग निकलते हैं। तो क्यों? रागांगों के हिसाब से, उसी पांच में से हम अलग अलग व्यक्ति तैयार करते हैं। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक की एक खासियत है कि स्वर वही होते हुए राग अलग अलग रूप लेते हैं। तो रागांग क्या चीज है, मैं फिर से कहूंगा कि रागों की रचना दो प्रकारों से मुख्यतः होती है, एक स्केल राग जिसको हम कहते हैं और दूसरे रागांग राग। स्केल भले वही हो लेकिन अलग अलग स्वर संगतियों के माध्यम से उस राग का रूप बदलता जाता है। और मेरे धारणा के अनुसार हर एक राग का एक व्यक्तिमत्व है, फिर हम वहाँ स्वर भूल जाते हैं, उसमें स्वर कौन से लगते हैं ये हम भूल जाते हैं, वो व्यक्ति सामने आ जाती है। जैसे मैं आपको हमेशा देखने लगूं तब आपके आँख कान मुझे ध्यान में आते, लेकिन समग्र स्वरूप आपके ध्यान मेरा ध्यान में आता है, आपकी इमेज जो है वो मेरे ध्यान में रहती है, उस इमेज को मैं विस्तृत करते जाता हूँ तो उसमें डिटेल्स नहीं देखता हूँ। यही पर्सनैलिटी उस राग की है, लेकिन उस राग को समझने भर के लिए हमको उसके डिटेल्स हम वर्कआउट करते हैं, लेकिन वो मन में जब बिंबित हो जाती, जैसे हम भाषा बोलने लगते हैं तो हम किसी शब्द का स्पेलिंग नहीं सोचते, आप शब्दों की रचना करते जाते हैं और वाक्य बोलते हैं, जब वाक्य बोलते हैं तब हर एक कर्ता क्रियापद सकर्म क्रिया अकर्म क्रिया ये सब देखते नहीं है, फ्लो जब शुरू हो जाता है तब समग्र भाषा आपके सामने आती है, एक्सप्रेशन आपके सामने आते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है, आई कम यू कम, छोटे छोटे सेंटेंसेस में, फिर आगे हम भाषा समझने के लिए हम इस सब प्रवास से आगे गुजरते हैं। जब आपको मालूम हो गया फिर आप दौड़ने लगते हैं, फिर आपकी इमेज हमारे सामने रहती है। तो हर एक राग की इमेज जब हमारे सामने रहती है तब हमको उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का लक्षण है, वो उस राग के इमेज को संभालता है। देखिए क्या ताज्जुब और क्या एक अच्छी चीज हमारे संगीत में है, जैसे मैंने कहा कि एक ही राग की पर्सनैलिटी जब एक होती है, अलग अलग समय पर अलग अलग वातावरण में वही कलाकार उसी राग को अलग अलग शेप से देखता है, हालांकि सर्वांगीण रूप उसका देखेंगे तो वो वही है, लेकिन आज की तोड़ी अच्छी जमी, कल की तोड़ी कुछ और थी, ये क्यों कहते हैं, यही हमारे संगीत की विशेषता है। और फिर एक ही राग अलग अलग कलाकार गाएंगे तो और कितने उसके रूप मिलते हैं हमें, इसलिए एक ही राग को हम हजारों साल सुनते हुए हमको हम उबते नहीं हैं। लेकिन हम कोई भी फिल्म म्यूजिक बहुत अच्छा होगा, एक बार सुनने के बाद पाँच दिन के बाद वो बासी हो जाता है, स्टेल हो जाता है। आज हिट है, एक दो तीन चार पाँच छः सात तेरह पंद्रह सोलह हो जाता है, लेकिन दस दिन के बाद वो भूल जाते हैं लोग। लेकिन आज यमन बिहाग हम पचास साठ साल से भी सुन रहे हैं, वही आनंद मिलता है हमको, ये सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि हम
उस इमेज की आराधना करते हैं। अपने अपने शक्ति अनुसार एक एक राग की हम पूजा करते हैं और ये राग गायन यानी एक पूजा की विधि है। हमारे पूजा में अष्टाविधान कहे गए हैं, अष्टाविधान से पूजा होती है, आठ विधानों को संभालना पड़ता है, पहले उसका ध्यान हम करते हैं। इसीलिए कोई भी देखिए श्लोक में जिस मूर्ति की आप पूजा करते हैं उस मूर्ति का ध्यान आपको बताया जाता है, फिर उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उसको श्रृंगारते हैं, फिर आगे जाके फिर आरती उतारते हैं, फिर प्रसाद बांटने लगते हैं। ऐसे अलग अलग उसकी विधियां हैं, वैसे राग में आठ विधान है। तो इस प्रकार ये एक योग साधना है और जिसकी जितनी शक्ति होगी, हम मुझे आप कोई भी राग कहिए मेरे सामने वो राग खड़ा रहता है। क्यों? कि उसको उसकी मैंने साधना की है, मुझे उसका आरोह देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वो राग मेरे सामने आ जाता है, उसकी डिटेल्स हम वर्कआउट नहीं करते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है। अब रवि वर्मा के पिक्चर्स इतने पॉपुलर हैं, एक अरसे तक वो इमेज हमारे समाज में इतनी प्रसारित हुई थी, राम पंचायतन या कोई भी लक्ष्मी की जो कहीं भी देखिए, लक्ष्मी की सरस्वती की जो प्रिंट्स रवि वर्मा के हैं वो स्टैंडर्ड हो गई हैं। सरस्वती की तस्वीर कहेंगे तो रवि वर्मा की, या किसी भी पेढ़ी में जाइए सर लक्ष्मी की पूजा देखिए तो वही आपको देखिए। क्या दूसरे कलाकार अच्छे नहीं हैं? वो भी करते हैं लेकिन वो हमारे दिमाग में नहीं बैठती है। वो परिणाम जो आपको इतनी गहराई से आपके दिमाग में बैठ गया है, दूसरी आप एक्सेप्ट करने पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे की भी कल्पना है। लेकिन साम्यता क्या है? हंसारूढ़ा, वो भी आपको नया कलाकार भी होगा, हंस कहीं ना कहीं बताएगा आपको, उसका वाहन है, उसके बाजू में रखा होगा, यहां किसी भी हंस के ऊपर बैठी हुई दिखाएंगे आपको। वीणा धारिणी, वीणा तो उसके हाथ में होगी, उसके अलावा सरस्वती आप पहचान ही नहीं सके। ये जो उसके लक्षण है, उस मूर्ति के जो लक्षण हैं, वही राग के लक्षण आपको देखने पड़ते हैं इन अलग अलग स्वर संगतियों द्वारा, तब वो राग प्रस्थापित होता है, न कि उसके आवक जावक से। जैसे देखिए, मैंने अभी बात की है सारे गा पद साकी, तो उसी में चलेंगे, ऐसे उदाहरण देंगे तो आज बरसों तक प्रवचन चलता रहेगा, खत्म नहीं होने वाली चीज है, क्योंकि एक एक राग समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन राग की घटन कैसी होती है? सारे गा पा धा सा गे सा, ये तो सिर्फ अक्षर मैंने बोले, इसमें कोई राग नहीं है। अब देखिए, रे 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 रे
इस पर तो मैं जोर दे रहा हूँ। गा पर रे 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 रे। अब दूसरे सप्तक में उसको बेस ले रहा हूँ, उसका समाज जोड़ रहा हूँ। तो इसलिए गवादी हो गया, धर समी हो गया। रे एक समाज है जैसे मैंने कहा षड्ज गंधार, षड्ज मध्यम, षड्ज पंचम, षड्ज धैवत, ये अलग अलग संवाद है। वो किसी न किसी रूप में हर राग में मिलते हैं। इन संवादों का उपयोग हम करते हैं राग के चलन में, न कि स्वर से। रे सा ध रे ध रे रे धरा सा ध रे ध सा, एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन से राग नहीं बनता। आजकल ये प्रक्रिया बहुत चलती है, सोल्फा सिंगिंग होता है आजकल, राग की रूह नहीं मिलती। आपको बहुत मुश्किल से ये इन बातों को आजकल सुनने मिलेगी, ये लुप्त होती जाती है। रे ध, अब वो धैवत को किस तरह रे ध, सीधा सीधा तो ये है रे ध रे ध गु। स्वरों के पीछे कुछ भावना है, उसकी आकृति मेरे दिमाग में आ रही है, उसका रूप आपके सामने प्रस्थापित करना है। वही कलाकार सिद्ध है जो कि एक राग की मूर्ति आपके सामने खड़ी करे, वही नहीं। तो आप आज कॉन्सर्ट हॉल में जाते हैं, जितने कोरे जाते हैं उतने कोरे बाहर निकलते हैं। आनंद जरूर लेते हैं जब तक 3-4 घंटे आप हॉल में बैठते हैं, लेकिन किसी राग की मूर्ति लेके आप बाहर नहीं निकलते। क्यों? कि वहां कसरत होती है और कसरत हमेशा चमत्कृति पैदा करती है। क्या तैयार गाया, बस इतना ही हम कहते हैं, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी आपको। तो राग कहाँ है? सारे गे रे गे रे सा, उसको शांतता चाहिए। राग कहता है मेरी आराधना ना कराओ, फिर मैं तुम्हारे वश में आने की कोशिश करूंगा। उसको वश करना है, राग को हमें पूजना है। इतनी पवित्र चीज है राग, नॉट मेयर अरेंजमेंट ऑफ नोट्स, इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट which you have to experience and try to find out new avenues to establish that image. It's not mere arrangement of notes, I repeat it again. रे धारे गारे पगरे धारे पग रे गग रे गे गे सा